वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो कैसा रहा आपका ब्रेक? हमारे लाइव वालों के काफी मजे हैं, इनको बड़े बड़े ब्रेक मिलते रहते हैं, अच्छा खासा इन लोग खाते पीते रहते हैं यार, लेक्चर में भी और बाहर भी। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपन लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। यू हैव टू ओपन दिस क्वेश्चन ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल, आपके बुक में है यहां पे। देवी और सज्जनों, ये रहा। प्लीज आईसीएआई मॉड्यूल का ये क्वेश्चन अभी अपन लोग साथ में सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, बट एक ट्रिक है, जो कैच कर पाया वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। देखते हैं। पेज नंबर देख लो, आ जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फोकस अ कंपनी एज अ डिवीजन ए। अभी सुनो, अभी है ना, तुम्हारा दिमाग घोड़े के जैसा दौड़ना चाहिए। मतलब कुछ चीजें देखकर तुम लोग को एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, सर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। देखते हैं तुम लोग हो पाते हो कि नहीं उतना स्मार्ट। अ कंपनी हैज अ डिवीजन ए प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जी। ईच प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट। मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स X800, Y500, Z300। ये देखो, ये अपना क्वेश्चन कॉपी कर रहा है इंस्टीट्यूट। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, लेबर आवर्स दिया है। क्या लग रहा है तुम लोग को? सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, लेबर आवर्स दिया है। क्या बाई डिफॉल्ट कैलकुलेट करने वाले हो तुम लोग, मुझे जरा बताओ तो लिख के। क्या बाई डिफॉल्ट तुम लोग करने वाले हो मुझे बताओ तो जरा। तुम लोग ने सेलिंग प्राइस देख लिया, वेरिएबल कॉस्ट देख लिया, लेबर आवर्स देख लिया, क्या बाई डिफॉल्ट तुम लोग कैलकुलेट करने वाले हो, बोलो तो जरा। जय बात कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज ओनली 300 यूनिट्स ऑफ वाई। डिवीजन बी कुड बाय सिमिलर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट एट 45। व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस इफ द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल विद डिवीजन ए आर। सब कुछ सेम है, खाली एक ही चीज का फर्क है, वो है आर्स का, और ये थोड़े बहुत जो सेलिंग प्राइस और वो है उसका। बाकी सब का सब सेम सम है, आईसीआई मॉड्यूल का सम। क्या मुझे आप लोग करके दिखाओगे? डन। चलो अब मैं कुछ जनरल पॉइंट्स अगर तुमको चाहिए तो मैं लिखवा देता हूं यहां पे, या नोट करके लिखवा देता हूं। कुछ भी हो जाए, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंटरनल एक्सटर्नल डिमांड के लिए कितना आर्स लग रहा है ना, वो कैलकुलेट कर लेना। इन क्वेश्चन रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग विद लिमिटिंग फैक्टर। अब देखो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो तुम्हारे को तो पता ही है मॉड्यूल के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो करना ही पड़ेगा। बट अब आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन हलवा लगेगा। बस एक पॉइंट है इसमें कैच का, वो आपने कैच कर लिया, बाकी सिंपल है सब। होमवर्क नहीं, अभी होमवर्क के लिए है मेरे पास और 2 सब, वो मैं दूंगा, टेंशन मत लो। ये वाला मॉड्यूल का सम तो मैं अभी करवाऊंगा। इन क्वेश्चन रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग विद लिमिटिंग फैक्टर ऑलवेज कैलक्यूलेट टू थिंग्स। टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग एक्सटर्नल डिमांड एंड दूसरा प्रोडक्ट एलोकेशन बेस्ड ऑन लिमिटिंग फैक्टर। दैट इज रैंकिंग। चलो स्टार्ट करें।
अगला सेम टू सेम, सेम टू सेम है बट एक एक चेंज है वो देखेंगे अपन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इतना सेम टू सेम चिल्ला रहे हो तो सम तो तुम लोग एकदम फटाफट हो जाना चाहिए। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। चलो सो पहले अपन लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन का समरी। मेरे हिसाब से ये दो पॉइंट लिख लो, लिख तो क्या ही रहे हो अभी तुम लोग। क्या महेश्वरी जी बोल रहे गॉट द पॉइंट, व्हाट पॉइंट बोल महेश्वरी जी। लिखने का टाइम मैं बोल रहा हूं ना, तुम लोग थोड़ा नोट्स वोट्स डाउनलोड करके गूगल ड्राइव पे ऑन द स्पॉट ही अपलोड कर दूंगा तो टेंशन नहीं है तुम लोगों को। अपना फोकस है कॉन्सेप्ट सॉल्विंग, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे मजा आएगा। लेट्स सी मितेश, चल चेक करते हैं। आओ सम को स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर वन ऑफ मॉड्यूल, पेज नंबर 9111। चल हाँ स्टार्ट। डिवीजन ए प्रोड्यूसिंग थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड। दो डिवीजन है अपने पास, ठीक है। डिवीजन ए का तीन प्रोडक्ट्स फटाफट लिख लेते हैं अपन। चल बोलो। चलो तो ये अपना सब अभी बेसिक जो अपने को अभी कितना बच्चा लग रहा है ना, ये कितना इजी लग रहा है। डिवाइड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट है ना, तो बस यही है। जब अपना बेस इतना स्ट्रांग हो जाए ना बाकी सब एकदम इजी लगेगा। 684 इसके लिए कॉन्सेप्ट एकदम तोड़ रखो ताकि टेंशन ही ना रहे। रैंक बदलेगा यहां पे 231 हो जाता है, ठीक है। चल डन। अब डिवीजन बी को चाहिए 300 यूनिट्स ऑफ वाई। उसको सब्स्टिट्यूट भी है उसके पास। अब कुछ तो है ना गड़बड़ है, आईसीआई का क्वेश्चन है ना तो ये लोग गड़बड़ करते ही है। मुझे एक बात बताओ कि सेलिंग प्राइस वाई का है 92, सेम प्रोडक्ट डिवीजन बी को सब्स्टिट्यूट मिल रहा है 45 में, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जो चीज वो 92 में मार्केट में बेच रही है 45 में इसको मिल रहा है, कुछ भी है यार। मैं ठीक है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का सम है, बांधा नहीं। चलो इतना हो गया तो अभी अपन लोग केस वन केस टू लेते जाते हैं। बट उसके पहले मैंने आप लोग को एक चीज बोला है, कैलकुलेट करना ही है, वो है एक्सटर्नल डिमांड के लिए कितना आवर्स लगने वाला है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल डिमांड करना ही है। चल कैन आई मूव ऑन गाइस,
ठीक है, आई होप ये तो तुम लोग भी लिख ही लोगे देख के। करेक्ट करेक्ट गौरव, चलो आर्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एक्सटर्नल डिमांड एक्स वाई जी। अच्छा एक्सटर्नल डिमांड में लिखना ही भूल गया इसमें। वही है आई थिंक 800, 500, 300। चल एक्स वाई जी 6, 8, 4। सो आई थिंक मेजोरिटी तुम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 10,000 आवर्स। सही है, चल अब केस वन से स्टार्ट करते हैं। आवर्स अवेलेबल थर्टीन थाउजेंड आवर्स। चल सो इसमें से अपन क्या बोलेंगे भाई, पहले तू एक्सटर्नल डिमांड को पता दे, एक्सटर्नल डिमांड है 10,000 आवर्स। अब देख ले भाई तेरा स्पेयर कितना है, सर स्पेयर है 3,000 आवर्स। अब उसको इंटरनल डिमांड आया है, मतलब ये तुम लोगों को एकदम इजी नहीं लग रहा है, बच्चा नहीं लग रहा है? अब उसको इंटरनल डिमांड आया है, कितने यूनिट्स का इंटरनल डिमांड आया है देखो देखो, टेल टेल 300 यूनिट का। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं भाई के, 8 घंटे। So, can I say 2400 hours? So, included ही हो गया, इसी में आ गया। So, fully spare capacity हो गया ये तो। अगर fully spare capacity है तो अपना minimum transfer price क्या आएगा? अपना minimum transfer price क्या आएगा? Variable cost, बराबर है ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड कितना है एट द रेट रुपीज थिंक 24। मैक्स टीपी, मार्केट प्राइस और सब्सटीट्यूट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मार्केट प्राइस है 92, सब्स्टिट्यूट वैल्यू है 45, चेवर इज लोअर, सीधी सी बात है 45। रेंज मिल गया अपने को, एक देखो 2 मिनट में अभी अपना ये आंसर आ गया, 2 मिनट में, लेजिट 2 मिनट में। रेंज 24 to 45। चलो डन,
बहुत डिफरेंस है मार्केट प्राइस और सब्सिट्यूट में, वही तो बोल रहा हूं, तुम जाके थोड़ा इंस्टीट्यूट को समझाओ, तो आप तुम्हारी बात माने तो अच्छी बात है भाई। चलो केस टू, केस टू के देखते हैं क्या है। 8000 आवर्स। चलो अब आ जाते हैं अपन लोग इधर, एक्सटर्नल डिमांड के लिए ही चाहिए उसको 10,000 आवर्स, बट भाई साहब के पास ही है 8000 आवर्स। मतलब कहना इसे ये फुल्ली ऑक्यूपाइड वाला केस है, ठीक है। फुल्ली ऑक्यूपाइड वाले केस में अपन लोग क्या करते हैं पता है क्या, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं फटाफट। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मुझे पता है मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, कैसे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड, तो कितना यूनिट ट्रांसफर है 300 यूनिट्स एट द रेट, कितना है उसका रेट भाई, रेट कितना है 24, सो एट द रेट 24 पर यूनिट, सो विच इज 7200, सही है, डन। प्लस प्लस अब ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा था, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस। ये मैं क्या बोल रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, तुम ट्राई करो, हाँ, ए, पहले तुम लोग ट्राई करो फिर मैं करूंगा, चलेगा, 2 मिनट देता हूं, मुझे कोई सब लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस कितना आएगा, क्या सैक्रिफाइस होगा और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस आएगा। जी हाँ, आप कैलकुलेट करके बताएंगे, स्टार्ट। कम ऑन गाइस, पब्लिक बोल रहा है कुछ 21200, देखते हैं। चलो सबसे पहला बात, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी सैक्रिफाइस, मेरा एक ही क्वेश्चन है, मैं कौन से यूनिट को सैक्रिफाइस करूं, मैं कौन से यूनिट को सैक्रिफाइस करूं, तो वो मैंने बनाया नहीं है, आई गेस मुझे वो बनाना चाहिए था, तो वो मैं बना लूं कि कौन सा यूनिट सैक्रिफाइस होगा, कौन सा लास्ट बनेगा, कौन सा फर्स्ट, वो मैं बना लेता हूं। अलवे देखो, इधर मैंने एक नोट लिखवाया, दो चीज निकालना है, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर सैटिस्फाइंग एक्सटर्नल डिमांड, दूसरा प्रोडक्ट एलोकेशन बेस्ड ऑन लिमिटिंग फैक्टर, वो मैं निकाल लेता हूं, वाई होगा करेक्ट है तुम लोग का बात, बट फिर भी वो मैं निकाल लेता हूं कि अभी अगर मेरे पास टोटल 8000 आवर्स ही है तो मैं किसको सैक्रिफाइस करूंगा। सो इधर मैं फटाफट बना लेता हूं आवर्स एलोकेशन, तो टोटल आवर्स कितना है अपने पास सर, 8000 आवर्स, पहले किसको देंगे, जेड को, जेड को कितना आवर्स चाहिए, इधर से दिख जाएगा, जेड को कितना आवर्स चाहिए 1200 आवर्स, फिर एक्स को 4800, याद रखना एक्स का रैंक 2 है, भूलना नहीं, तो 1200 एंड 4800, सो 1200 फिर 4800, ये एक्स खाएगा तो बचेगा 1200 आवर्स, ये अपन लोग दे देंगे बेचारे वाई को, वाई कितना है 8 आवर्स पर यूनिट, तो 150 यूनिट बन पाएगा वाई का, सो एक्स का तो पूरा बन जाएगा, एक्स का 800 बन जाएगा, जेड का 300, पर वाई का खाली 150, ठीक है, डन डन, सही है। अच्छा अब कितना कितना आर्स चाहिए मित्रों, कितना आर्स चाहिए, सो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी सैक्रिफाइड, तो अपन बोलेंगे भाई 300 यूनिट बनाने का है वाई का, एक यूनिट के लिए कितना आर्स चाहिए 8 घंटा, तो 8 आर्स, मतलब कहना इससे टोटल 2400 घंटा अपना सैक्रिफाइस होगा, कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या,
अच्छा इधर सॉरी 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 2000 चाय लाओ भाई चाय चाय बीवी खाना नहीं देती है बच्चे लोग चाय नहीं मंगवाते हैं गरीब आदमी क्या करे चलो ठीक है सो 2000 आवर्स अच्छा अभी इसको चाहिए कितना 2400 आवर्स चाहिए अब बताओ क्या करोगे अब बताओ क्या करोगे 2400 आवर्स चाहिए इसको कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस फॉर ऑफ यूनिट टू बी सेक्रीफाइस तो इसको तो 24 घंटा आवर्स चाहिए क्या करोगे अब क्या करोगे कहना इससे पहले अब अपन बोलेंगे सर 2000 घंटे तो गए वाई के ये बराबर कर रहा हूं मैं और 400 घंटे गए एक्स के बस यही कैच था यार ये कैच तो तुम लोग ने रहने ही नहीं दिया उसके पहले तो तुम लोग ने आंसर ही दे दिया भाई टोटल 2400 घंटे मेरे को सैक्रिफाइस करने हैं अगर मुझे उसको देना है तो सैक्रिफाइस में पहले मैं किसको करूंगा जिसका रैंक थर्ड है विच इज वाई तो उसका 2000 यूनिट था दे दिया 2000 घंटे था उसके पास दे दिया अभी भी और 400 घंटा चाहिए तो नेक्स्ट रैंक इसका है एक्स का चलो एक्स का दे दो अच्छा अभी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर कमा रहे ये लोग भाई लोग 8.5 10.5 8.5 एंड 10.5 सो मतलब कितना गया 17,000 4,200 सो टोटल 7,200 प्लस 17,000 इज्जत से बोलना किस किस का ये आंसर करेक्ट आया था 28,400 बट डिवाइड बाय 300 यूनिट्स सो ये आ जाता है 94.67 ये आ जाएगा आपका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अब जिस जिसको नहीं समझा मैं हूं ना आओ वेरी गुड पल्लवी जी वेरी गुड मितेश जी रिया आरिश आरिश श्रेया ग्रेट हिमांशी अच्छा अब हर्ष को नहीं समझा हर्ष को समझाएंगे चलो चलो हर्ष को समझाएंगे आइए हर्ष कहां पे आप छूट गए बताइए देखिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी सैक्रिफाइस अब सुनो टोटल मेरे को ये कितना लॉस करना पड़ेगा आर्स कितना आर्स मेरा लॉस हो जाएगा तो मैं बोलेगा भाई 300 यूनिट बनाने का मेरे को वाई का एक वाई बनाने के लिए 8 आवर्स लगता है देख क्वेश्चन तो 2400 आवर्स मेरे को सैक्रिफाइस करवाना है अब मेरे पास तो टोटल है ही 8000 घंटे उसमें से मैं इस हिसाब से डिवाइड किया था अब इसी में से जो लास्ट रैंक वाला है देखो अभी बीवी याद कर रही है भाई इतनी हिचकी आ रही है जाने दो मुझे हाँ पापा से बुरा बता दो ध्यान से देखो तो इतना तो 7,200 का तो खर्चा लगने वाला है उतना तो 300 यूनिट बनाने के लिए जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फॉर यूनिट टू बी सैक्रिफाइस अच्छा अब या ऑफ आर्स टू बी सैक्रिफाइस इधर लिख सकते हैं अपन ऑफ आर्स टू बी सैक्रिफाइस ठीक है तो कितना आर्स मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं 300 यूनिट बनाने के लिए एक यूनिट बनाने को 8 घंटा लगता है तो 2400 घंटे मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं अगर मैं 2400 घंटे सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो उसमें से पहले मैं थर्ड रैंक है वाई का तो पहले उसको सैक्रिफाइस करूंगा अब वाई टोटल यूज ही मेरा 2000 आवर्स कर रहा है वाई मेरा टोटल यूज ही वाई 2000 आवर्स कर रहा है सो ये पूरा का पूरा 2000 आवर्स मैंने इसका सैक्रिफाइस करवा दिया एक यूनिट के ऊपर वाई 8.5 कमाता है बच्चा कितना 400 आवर्स सो 400 आवर्स एक्स खा रहा है मेरा एक्स यूज कर रहा है उसके बाद वाई के बाद तो एक्स 400 आवर्स कर रहा है उसका एक घंटे का है 10.5 तो वो दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो अपन लोग वाई मतलब जो डिवीजन भी है उससे रिकवर करवाएंगे प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है वो रिकवर करवाएंगे टोटल 28,400 चाहिए फॉर 300 यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड ये आ गया मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या सौरभ और हर्ष कुकरेजा को समझ में आया क्या उन दोनों को डाउट था क्या उन दोनों को समझा अच्छा और किस पिंकल भाई को समझियानु पिंकल भाई समझिया तमे एवरीबॉडी आर वी क्लियर एवरीबॉडी
गच्चा है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सौरभ और हर्ष समझ गए हैं। पिंकल भाई तुम्हें क्यों, पिंकल बेंच है, ओ भले भले, तो ये बेन ना क्यों हो, पिंकल आज क्यों बजी, खाली भाइयों ने भाई कहो, बेनों ने बेन ना कहो, आओ ना करीस। ग्रेट ग्रेट, एवरीबॉडी इज क्लियर। द बॉयज सच्ची में यार बहुत कंफ्यूजन है यहां पे। चलो डन हो गया, अब मैक्स ट्रांसफर प्राइस तो 2 मिनट में आ जाएगा, बस अभी ये सब में कुछ बचा ही नहीं है यार। अब एकदम सिंपल सर, मैक्स ट्रांसफर प्राइस मार्केट प्राइस उसका है 92 और सब्स्टिट्यूट वैल्यू 45 विच एवर इज लोअर, मतलब कुछ भी। सो मैक्स ट्रांसफर प्राइस है 45। अब व्हेनेवर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज मोर देन मैक्स ट्रांसफर प्राइस, कैन आई से ट्रांसफर प्राइसिंग TTMM, तू तेरा मैं मेरा, ग्रेट ओके फोरम जी। ना 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 ये तुम लोग TTMM एग्जाम में मत लिख कर आना, तुम लोग लिख देना नो ट्रांसफर पॉसिबल, क्योंकि रेंज ही नहीं बन रहा है, बिकॉज नो रेंज इज पॉसिबल, वैसा करके लिख देना ठीक है। चलो अब आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, केस 3। बहुत इजी अभी ये तो। सो इधर अपन लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डिमांड कितना है, 10,000 आवर्स, स्पेयर कैपेसिटी 2,000 आवर्स, अपने को चाहिए 2,400 आवर्स, ये अपन लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ये सब बराबर। तो अब अपन बोलेंगे भाई 2,000 घंटे स्पेयर है उसका टेंशन नहीं है, 400 घंटे सैक्रिफाइस है ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं फास्ट जा रहा हूं क्या, कि बराबर जा रहा हूं, फास्ट जा रहा हूं क्या मैं, नहीं ना। तो अब मैं बोलूंगा, ये तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तुम लोग के ऊपर एहसान है, करना ही नहीं चाहिए मुझे, बट ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड, हाँ भाई कितना आ रहा है, 7,200 प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट वाला सीन, कितना आ रहा है 400 घंटे। कैन आई से वाई का ही पूरा का पूरा सैक्रिफाइस करेंगे एट द रेट, सॉरी 8.5, ये आता है आपका 35.33। क्या मैं सही जा रहा हूं, सही है, सब लोग का करेक्ट आंसर हो गया है। एज अ प्रोफेसर इससे बड़ी और क्या खुशी होगी मुझे कि तुम लोग मेरे से पहले सम को सॉल्व कर पा रहे हो, रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू, ग्रेट गोइंग, वेल डन। ये मेरा दिल मुझको क्या चाहिए, सही एकदम सही बोला हर्ष, एकदम परफेक्ट। शुभम पहले मुझे बता तेरे को सब समझ में आया क्या,
रेंज भी बन गया अपना। इसी के साथ अपना ये मॉड्यूल का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड फाइनली आज आपको मिलता है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बात है, क्या बात है, चलो ग्रेट है, ग्रेट गोइंग गाइस, ग्रेट गोइंग, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आएगा आएगा, शाबाश शाबाश, लगे रहेंगे लगे रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया मॉड्यूल वाला करके। मैं तो बोलता हूँ मॉड्यूल वाला तो अभी अपने को पानी कम चाय लग रहा है। मैंने क्या बोला, तुम्हारे को लेवल पे लेके जाऊंगा मैं, फिर तुम्हारे को इंस्टीट्यूट पानी कम चाय लगेगा, टेंशन मत लो। यस, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं नहीं अभी और एक दो सम कर लेते हैं ना यार, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, तो प्लीज ये वो वाला मैं डाल रहा हूं टेलीग्राम पे, तुम लोग कमेंट करना कैसा क्या जा रहा है एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो चलो टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, तुम लोग की तारीफ भी कर देता हूं थोड़ी, लाइव बैच स्टूडेंट्स आर रॉकिंग, आर रॉक स्टार्स, डन। नहीं, क्वेश्चन 3 और 4 नॉर्मल वाला, चलो चलो अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी अभी सुनो, अभी सुनो, तुम लोगों को क्या भूख लग रही है, तुम लोग तो उधर खा भी रहे होगे, किसको पता मेरे बिना, ठीक है। ये देखो, ये कोई मुझे पूछ रहा है इंस्टा, ये मुझे कोई पूछ रहा है इंस्टा का आईडी क्या है सर आपका, टैग करूंगा, देता हूं रुको, अभी सुनो होमवर्क देख लो, ऑप्टिमाइज्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क है आपका, ठीक है। ये देखो पेज नंबर देख लो, ये होमवर्क है आपका, आदित्य भाई भले, अच्छा तुम सब डिसिप्लिन लोग हो, ऐसा नहीं करते, वेरी गुड, करना भी नहीं चाहिए वरना पाप लगेगा, पेट दुखेगा, मैं इधर पढ़ा रहा हूं और तुम खाओगे तो, बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, अपना अगर सेशन फेस टू फेस होता तो क्या धमाल आ जाता ना, जस्ट इमेजिन यार, अपन लोग लाइव एट होम में खाली चैट्स पे इतना वो कर रहे हैं, सुपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ तुम लोगों को मैं पढ़ा पा रहा हूं, तुम लोग भी फुल पार्टिसिपेट कर रहे हो, फेस टू फेस बैच हो जाते हो तो नेक्स्ट लेवल होता है यार, कुछ करेंगे अपन लोग मीट करने का, कुछ रीयूनियन ऐसा कुछ, हाँ जूम पे आएंगे एक दिन फॉर श्योर, आतंक मचा जाता, सही बोल रहे, मुंबई आ जाओ यार, वुड लव टू डू दैट, वुड लव टू मीट यार। यस कुमार साल्डी, थैंक यू सो मच। चलो मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूं इसके ऊपर, सो आई थिंक यस, इंडिया टूर में तो सबको अलग अलग मिलूंगा ना, मैं तो बोल रहा हूं सब एक साथ, अपन अपना एक बैच पूरा एक साथ फेस टू फेस, किलर मजा आ जाएगा। चलो गाइस, आई थिंक मेरे को और एक सम करवाना है, बट आई थिंक तुम लोग आज मुझे करवाने नहीं दोगे, कल तुम लोग ने मान ली थी मेरी बात, और आई थिंक आज अच्छा हो गया अपना, सो लेट्स रैप अप ऑन अ पॉजिटिव गुड नोट। यस सौरभ वेलकम, कल का क्या सीन है, टुमारो 8 AM, हाँ टुमारो 8 to 11, अच्छा अभी का अभी मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, प्लीज तुम लोग मुझे बता दो क्या तुम लोग को ये दिख रहा है,
बस ठीक है, आज आज आई एम रैपिंग अप फॉर द डे। दोस्त हम होमवर्क किया है, 3 और 4 पीडीएफ मुझे एज यूजुअल व्हाट्सएप कर देना। और मैं तो बोल रहा हूँ अगर हो सके तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे जो कमेंट्स है ना उधर भी मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो उधर भी करोगे तो भी चलेगा। तो एक साथ सबका पीडीएफ आ जाएगा, फटाफट एक साथ देख लूंगा मैं, दैट इज ऑल्सो ओके। कल यार कुछ एडजस्ट करो ना आईडीटी वालों, कितने लोग हैं आईडीटी वाले यहाँ पे? नोट्स में अभी भेज रहा हूं, तुम लोग एक बार चेक करके कंफर्म कर लो गाइस, नोट्स मिल गया है क्या एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है आई थिंक 10-12 लोग हो तुम लोग। ओके गाइस, सो टुमारो वी आर मीटिंग 8 AM, डन? यार थोड़ा एडजस्ट कर लो। चलो बाय। यार वाइफ का फोन आ रहा है वापस से, यार तुम लोग क्यों मेरे क्यों 3 दिन वापस और झाड़ू पोछा बर्तन। हाँ कल SCMP का लेक्चर है सुबह 8 बजे। जी हाँ, ये मेरे को कंफर्म करो, ये नोट्स अपलोड हो गए क्या तुम लोगों को? दिख रहे नोट्स? प्लीज एक बार कंफर्म करो। ये तुम लोग ऐसा व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है क्या कुछ? तो मुझे भी इंक्लूड कर दो, और क्या, वैसे तो मैं बनाने वाला था, टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? चलो गाइस ओके, ऑलमोस्ट डन। जुली का एक क्वेश्चन है, जुली क्या पूछ रही है? जुली पूछ तो एक बार। जुली बोल रही है कि सर मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में मैक्सिमम, मैं तेरे को एक लॉजिकल आंसर देता हूं जो इंस्टीट्यूट से थोड़ा अलग है, वो मैं आगे कवर करूंगा, बट टेक सुन, ध्यान से सुनना। जहिल जुली पूछ रही है सर आप मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में मार्केट प्राइस और सब्स्टिट्यूट वैल्यू विच एवर इज लोअर क्यों लेते हो? जुली सपोज तू ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट है, जुली तू ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट है, ध्यान से सुनना। अरे ट्रांसफर, अरे यार जुली तू ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट है तो तू मार्केट प्राइस या सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तेरे को तो ये दोनों चीज अवेलेबल है इनमें से, ये तो तेरे पास दोनों अवेलेबल है, जो तेरे को सस्ते में मिलेगा तू तो वही लेगी, मैक्सिमम उतना ही देगी, उससे ज्यादा तो नहीं देगी ना वैसा। अच्छा जुली, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट किया था कल अपन लोग ने मार्केट, और ये क्वेश्चन में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है ही नहीं, तो 92 माइनस 0 92, और सब्स्टिट्यूट वैल्यू विच एवर इज लोअर मैक्सिमम तो उतना ही देगी ट्रांसफर प्राइस तेरे दूसरे डिपार्टमेंट को, समझा? समझा क्या? ओके करो जुली, समझा तेरे को? ओके डन एंड डस्टेड गाइस, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। ऐसे ही मिलते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे एंड एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करते रहेंगे। क्या बोलता है पब्लिक, SCMP में मजा आ रहा है कि नहीं? यस, बस ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ SCMP में। लेट इट बी द बेस्ट सब्जेक्ट दैट यू कैन स्कोर ऑन। थैंक यू सो मच, हास्ता ला विस्ता।